हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और पिंकी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल नए तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई जैसे बनाते हैं गाजर का हलवा। और ये देखिए, गाजर का हलवा बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनी है और ये बहुत ही दानेदार है गाजर का हलवा। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस गाजर के हलवा में मैंने खोआ या मावा का यूज बिल्कुल नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही दानेदार गाजर का हलवा बनी है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम आज आपके साथ गाजर का हलवा नए तरीके से बनाना शेयर करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हम लिए हैं 1/2 kg गाजर लिए हैं। इसको वॉश करके इसको अच्छे से छील लिए और पानी इसको सुखा लिए हैं और इनको हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक लेंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। 1/2 किलो गाजर में हम 1 लीटर दूध का यूज कर रहे हैं। इससे ही जो गाजर का हलवा बनेगा बहुत डिलीशियस बनेगी और बिल्कुल दानेदार बनेगी। इसमें आपको खोया या मावा की ज़रूरत नहीं है और टेस्ट बिल्कुल खोए जैसे गाजर के हलवा का आएगा। तो इसको हम उबालेंगे दूध को, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, दूध में बॉयल आने लगी है। अब हम इसमें थोड़ा करके गाजर को हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इनको चला देंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखे हैं। और इसको हम पकाएंगे। ये देखिए, इसमें से हल्का सा कलर भी आने लगी है। अब फ्लेम को हाई कर दिए हैं और इसको हम पकाएंगे। यकीन मानिए, अगर ऐसे गाजर का आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस बनेगी और घर में अगर मेहमान आ जाए तो आप इनको आसानी से बना के इम्प्रेस कर सकते हैं, लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसमें हम फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। इससे बढ़िया सा कल खुशबू आती है। और इनको अच्छे से मिक्स करके गाजर के हलवा में पकाएंगे। ये देखिए, पकाते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं और ये आधी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 200 ग्राम के करीब हम इसमें चीनी ऐड किए हैं और इनको भी चलाते हुए पका लेंगे। चीनी डालने से थोड़ी पतली हो जाती है। तो हम गैस का फ्लेम हाई कर दिए हैं और इनको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए, गाढ़ी हो गई है पकाते हुए, करीब 10 मिनट और हम पकाए हैं तो गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 3 चम्मच घी ऐड कर दे रहे हैं और घी को चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे। 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि अच्छे से जो हमारी गाजर है अच्छे से सूख जाए। देखिए, बढ़िया सा कलर आने लगी है और ये देखिए हल्का हल्का सूखने भी लगी है। इसको हम 5 मिनट और पका लेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अच्छे से गाढ़ी होने लगी है। अब हम इसको, ये देखिए अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम
इसमें ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इसमें हम काजू और बादाम लिए हैं, आप चाहे तो इसमें किशमिश भी और भी कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही डिलीशियस गाजर का हलवा बन के तैयार हुई है और बहुत ही दानेदार बनी है गाजर का हलवा। अब हम इसको बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर भी आई है, नेचुरल कलर है। लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।